इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जो कि हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया, हाफ ब्रिज ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका लोड अगर लेट्स से रेजिस्टिव है या आरएल है, तो उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस ब्लैक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हमें इस स्कीमेटिक में जिस तरह से है कि दो स्विचेस चाहिए और उसके साथ डायोड हमें चाहिए। तो एक तरीका ये है कि हम मॉसफेट यूज़ करें जिसमें पहले से ही ये कॉन्फ़िगरेशन बनी होती है। मॉसफेट के साथ एक पैरेलल में डायोड, फीडबैक डायोड जो है वो कनेक्टेड होता है। जिस तरह ये है मॉसफेट विद डायोड, हम ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है, क्योंकि ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ फंडामेंटल्स को समझने के लिए है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक जनरल पर्पस जो स्विच है यहाँ पे उसको यूज़ करें और उसके साथ फिर आप ऐड करें एक डायोड पैरेलल में। तो ये सेटअप जो है आपको रिपीट करना है फिर दूसरे स्विच के लिए भी। जैसे ये हमारा एक स्विच बन गया, तो हम दूसरा स्विच भी इसी को कॉपी करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ नंबरिंग यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ कि हाई साइड को हमने नाम दिया है Q1 D1, तो इसको से Q1 कह देता हूँ ताकि कंसिस्टेंट रहे। तो ये हमारे पास Q1 D1, और दूसरा जो है हमारे पास लो साइड वो है Q2 D2। तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी और फिर मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। अब जो सोर्स है, हमें एक डीसी सोर्स चाहिए यहाँ पे। ये हमारा सोर्स आ गया और इसकी भी हम एक कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि हमें स्प्लिट सोर्स चाहिए, डुअल सोर्स चाहिए यहाँ पे। तो ये यहाँ कनेक्ट कर देते हैं हम, इसको हम इधर कनेक्ट कर देते हैं, और एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ये कुछ यूँ आ जाएगा। ओके, अब हम साथ में इसके एक लोड जो है हमें कनेक्ट करना है, तो लोड के लिए मैं अगेन आ जाता हूँ इस लाइब्रेरी में, और से हम एक रेजिस्टर और इसके साथ एक इंडक्टर भी ऐड कर देते हैं। अब इंडक्टर का जो एरो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि मुझे पॉजिटिव पोलैरिटी तब मिले जब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो। तो पॉजिटिव एंड यहाँ पे हम कनेक्ट करने लगे हैं, और इसका नेगेटिव जो एंड है वो हम इस मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर जो है वो उसका स्कीमेटिक हमारे पास जो है वो बन गई है। और अब हमें क्या चाहिए कि इन स्विचेस को ऑन ऑफ कराने के लिए हमें पल्स जनरेटर चाहिए। ठीक है, इसको ड्राइव करना है हमें, तो हमें चाहिए पल्सेस चाहिए। तो हमें सिस्टम में जो सोर्सेस हैं उसमें से हमें यूज़ करना होगा, यहाँ उस कंट्रोल में से जो सोर्सेस हैं से पल्स जनरेटर। तो एक हाई साइड के लिए होगा हमारे पास, हाई साइड के लिए से हम 5.5 जो है वो 50% ड्यूटी साइकिल आ गई हमारे पास, और फॉर इंस्टेंस 50 या जैसे 60 मैं कर देता हूँ इस टाइम पे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और जो लो साइड के लिए है, एक मेरे पास मेथड ये है कि मैं कोई लॉजिकल इनपुट लूँ, लाइक जो नॉट गेट है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और इन्वर्ट कर लूँ, सॉरी लॉजिकल यहाँ पे है, तो लेट्स से मैं इस एंड ऑपरेटर को कन्वर्ट कर सकता हूँ नॉट में, और क्योंकि कंप्लीमेंट्री ऑपरेशन होगा, जब हाई साइड पे 1 होगा तो उस टाइम लो साइड पे हमें
ज़ीरो चाहिए, और जब ऊपर ज़ीरो हो तो नीचे वन चाहिए। तो ये कंप्लीमेंट्री ऑपरेशन आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं। या दूसरा फिर तरीका ये है कि आप पल्स जनरेटर एक दूसरा यहाँ पे यूज़ करें, लेकिन उसको 180 डिग्री का शिफ्ट दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास डिले है, आप इसमें अप्रोप्रिएट डिले दें। तो अगर वहाँ पे आपने पीरियड रखा हुआ है 60, फ्रीक्वेंसी रखी हुई है सॉरी 60, तो यहाँ पे जो टाइम डिले है वो 1/60 जो है आपका पीरियड बन जाता है। और फिर फर्दर अगर आप इसको हाफ कर दें तो ये आपको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देता है। तो ये दो तरीके हैं, आप इसमें से कोई एक चूज़ करके इसको ड्राइव कर सकते हैं इन मॉस्फेट को। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि व्यू करने के लिए रिजल्ट्स को हमें चाहिए स्कोप चाहिए, और उसके अलावा हमें चाहिए एक प्रोब, और इस प्रोब के अंदर हम सेट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो डिस्प्ले हम करवाना चाहते हैं यहाँ पे करंट थ्रू रेजिस्टर, करंट थ्रू रेजिस्टर, और एक और चीज़ जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वो है वोल्टेज अक्रॉस दिस RL। तो उसके लिए मैं एक वोल्ट मीटर यूज़ कर लेता हूँ। वोल्ट मीटर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वोल्टेज है वो बता देगा, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मेजर वोल्टेज। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे फीड कर दी हैं, और इसको अब हम सिमुलेट कर सकते हैं। तो सिमुलेट करके यहाँ पे रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिल रहा है। तो इसमें जो रेड कलर में है वो हमारे पास वोल्टेज है VAB, जिसे हमने अपने उसमें कहा हुआ है VAB, इसको जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे वेव फॉर्म में, इधर भी रेड कलर में है। और ग्रीन कलर में यहाँ पे करंट है। सो आप कंपेयर कर सकते हैं करंट के रिस्पॉन्स को कि करंट जो है एग्जैक्टली उसी तरह नज़र आ रही है जहाँ जिस तरह यहाँ पे बनी हुई है। ओके, तो जो पीक वैल्यू है वो अगेन, क्योंकि रेजिस्टर जो है डिटरमिन करता है पीक वैल्यू, तो आप अगर चेंज करते हैं यहाँ पे 1 है उसकी वैल्यू, लेट्स से आप इसको 3 कर दें, तो दोबारा अगर आप रन करते हैं तो अगेन अब ये उसको टच नहीं करेगी जी, अब लेवल उसका जो है वो रिड्यूस हो गया। दूसरा, अगर आप इंडक्टेंस को चेंज करते हैं तो इंडक्टेंस को चेंज करने से आपको जो राइज टाइम है उसमें क्लियर जो चेंज है वो नज़र आती है। तो ये हमारे पास आ गया एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर, और विद RL लोड। हमारे पास जो लोड है वो एक RL लोड है। इस तरह आप किसी भी लोड के लिए इसको बना सकते हैं। हाई साइड और लो साइड जो है उसको स्विच कैसे करना है, जस्ट ये इम्पॉर्टेंट है। एक एडिशनल चीज़ जो कि यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है वो है कि हमने इसमें डिस्कस किया था डेड टाइम। एक फिनोमिना है कि डेड टाइम ये होता है कि दोनों मॉस्फेट को, अगर हमारे पास मॉस्फेट है या IGBTs है, क्योंकि यहाँ पे जो स्विचेस हैं हमने मॉस्फेट की या किसी एक्चुअल स्विच की जगह यूज़ किए हुए हैं इनको, तो डेड टाइम जो है उसका मतलब ये होता है कि हम एक मॉस्फेट को या एक डिवाइस को ऑफ होने के लिए कुछ टाइम दें और उसके बाद अगले को ऑन करें। तो ये ऑपरेशन प्रैक्टिकली हम करते हैं जब सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे सिमुलेशन में भी आप कर सकते हैं। आप एक टर्न ऑन डिले के नाम से कंट्रोल, उसमें एक टर्न ऑन डिले के नाम से एक ब्लॉक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि
क्योंकि जितना आप ये चीज़ें ऐड करेंगे उतना ही आप अपने प्रैक्टिकल सर्किट के करीबतर होते जाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपको अल्टीमेटली उसमें आपको लगेगा कि आपके हार्डवेयर रिजल्ट्स जो हैं सॉफ्टवेयर रिजल्ट से ज़्यादा डिविएट कर रहे हैं, हालांकि ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे ऐड करते हैं टर्न ऑन डिले, और कितना डिले देना है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, कितना डेड टाइम हमने देना है। फॉर एग्जांपल हमने देना है 100e⁻¹, 100 नैनोसेकंड हमने दे दिए। इसी तरह हम यहाँ पे भी यही ऐड कर सकते हैं कि जब भी ये पर्टिकुलर जो सिग्नल है, लॉजिक सिग्नल है, ये हाई होने लगे तो हाई होने से पहले कुछ टाइम जो है ये लैप्स करें, जिसे हम डेड टाइम कह रहे हैं, और उसके बाद ये ऑन हो। तो ये इफ़ेक्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं अपने अपने सिमुलेशन के अंदर। और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि एक इसकी एक्सेस बना लेते हैं, हम एक और एक्सेस इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें हम जो लॉजिक सिग्नल है पर्टिकुलरली इसको प्लॉट कर लेते हैं। बल्कि इसको एक अलग से विंडो में हम प्लॉट विंडो बना लेते हैं इसकी। ओके, तो ये हमारे पास इसमें जो पहले से है उसको हम डिलीट कर देते हैं सिग्नल्स, और इसमें अब हम ऐड करने लगे हैं पल्स जनरेटर की आउटपुट। इसके बाद इस टर्न ऑन डिले के बाद की आउटपुट, या इसको निकाल देते हैं और टर्न ऑन डिले की इनपुट और आउटपुट दोनों हम कर लेते हैं। और इसी तरह टर्न ऑन डिले ये दूसरा है, इसकी इनपुट और आउटपुट भी हम देख लेते हैं। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं, कौन सा मेंशन नहीं किया, सॉरी, ये जो दूसरा है ये नॉट के बाद ऑपरेट होगा, सॉरी, ये मैंने ये असल में मैंने इशू कर दिया है। ऑपरेशन जो है नॉट के बाद, अगला जो डिले मैंने देना है ये नॉट के बाद आना चाहिए, तो नॉट से पहले नहीं आना चाहिए। क्योंकि फिर नॉट से पहले उसका वही सिग्नल होगा जो कि अपर का है, तो नॉट के बाद जो जिस टाइम पे ये राइज कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी दोबारा रन करते हैं इसको, और ये वो टाइम है ये वो टाइम है जिसे हम डेड टाइम कह रहे हैं, कि एक सिग्नल जो है वो लो हो गया है और दूसरा जो है अभी हाई नहीं हुआ, दूसरा जो है उसको हाई करने में कुछ टाइम लग रहा है। मे बी अगर ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है तो हम इसमें सिर्फ एक ही का देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। जी, ये टाइम है कि एक्चुअल में जो पल्स जनरेटर पीछे से दे रहा है वो ये ग्रीन है, लेकिन हम ये टाइम जो है बचा रहे हैं दूसरे डिवाइस के लिए कि वो इस दौरान कम्प्लीटली ऑफ हो जाए और फिर अगला जो है वो ट्रांजिशन करें हाई स्टेट में। तो ये वो डेड टाइम है जो हमने सेट किया है वहाँ पे 100 नैनोसेकंड। तो इस तरह से आप जो डेड टाइम का इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं अपनी उसमें सर्किट सिमुलेशन में, क्योंकि प्रैक्टिकल सर्किट में ये लाजमी होता है शूट थ्रू से बचने के लिए। ओके, इसमें अगर आप इसकी फोरियर एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी फोरियर एनालिसिस कर सकते हैं। आपको जो फ्रीक्वेंसी है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, वो सेट करनी होती है, ये चीज़ लाजमी है, अदरवाइज़ आपको जो है सही रिस्पांस नहीं मिलता। तो
रेड में एग्जैक्टली वोल्टेज का वो है, स्पेक्ट्रम है, और जो ग्रीन है वो करंट जो है हमारे पास उसका स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो है ये आप इसमें कर सकते हैं, वेव फॉर्म को अपनी इस लिहाज से देख सकते हैं। ओके, तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर जो है यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज़ जो कि इस डायोड का रोल जो है हमारे पास, ये जो डायोड्स हैं इनका रोल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि अभी हम एक और एक्सिस जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट करंट तो नज़र आ रही है। अगर हमने ये देखना है कि एक्चुअली करंट जो आउटपुट पे आ रही है ये किस डिवाइस की वजह से आ रही है, तो तब हमें सर्किट का जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा। स्विच कंडक्टिविटी, ओके, इसको कनेक्ट कर दें फिर इसको सिमुलेट करें। ओके, तो इसमें ये जो रीजन, इसको मैं कर्सर में सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये रीजन जो है मतलब यहाँ से स्टार्ट होके जो ज़ीरो के क्रॉसिंग तक का पॉइंट है, इस रीजन में अगर आप देखें तो ये डायोड का करंट है। मतलब नीचे जो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो असल में है डायोड करंट, ठीक है, इस दौरान है डायोड के थ्रू करंट। तो इसके बाद जब ये करंट पॉजिटिव हो जाता है इस पॉइंट के आगे, तो वो फिर ये जो स्विच है उसमें से फ्लो करता है, और ये एग्जैक्टली वही ऑपरेशन जो कि हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि D1 कंडक्ट करता है इस इंटरवल के लिए, ये जो करंट है ये D1 के थ्रू है, फिर इसके आगे मॉस्फेट या जो भी स्विच है उसके थ्रू फ्लो करना शुरू कर देता है, और फिर इसी तरह से अगेन जब ये पार्ट होता है तो ये डायोड के थ्रू लेकिन लोअर स्विच जो है, और फिर इसके आगे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है जब, क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो ट्रांसफ़र हो जाता है स्विच।